अक्सर संडे को हमें कुछ स्पेशल खाने को मन रहता है, तो इस संडे को मैं बनाई थी मटर पनीर और उसके साथ में ही तंदूरी रोटी। पर इसे हम तवे में ही बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह तंदूर का ही इसमें फ्लेवर भी रहेगा। तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे, एक बड़ा बाउल में एक बाउल आटा और एक बाउल लेंगे मैदा। तो यहाँ पे आप सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें ड्राई एक्टिव ईस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नान को अगर आप एक बार बना के घर में खा लेते हैं तो आपको कभी भी रेस्टोरेंट से नान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या खाने की, आप हमेशा घर में ही बना के खाना पसंद करेंगे। इसको अब हल्का गुनगुना पानी से डो लगाएंगे, जिससे हमारा डो जो है जल्दी फर्मेंट हो जाए और हम इस पूरे खाने को जो है 1 घंटे में बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है हल्का नॉर्मल चपाती जो होती है उससे थोड़ा सा गीला ही रखना है। उसके बाद में 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह मसलेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आने लगती है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आटा हमने अच्छे से लगा लिया है। तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं और तब तक हम अपनी मटर पनीर की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 1 केजी पनीर ली हूँ, पर ये मार्केट का पनीर है तो पूरा पनीर हमें यूज नहीं करना है। मैं यहाँ सिर्फ 300 ग्राम पनीर का यूज करूँगी और ये पनीर मैं मार्केट से 2 दिन पहले ही ले आई थी, जिसके कारण ये अभी थोड़ा सा जो है टाइट हो गया है। पर हम इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में जब रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर को अपने मनपसंद पीसेस में स्क्वायर पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ सारे पनीर को पीसेस को मैं कट कर ली हूँ। तो इसे एक बाउल में डाल देंगे और साथ में ही पानी इतना डालेंगे कि पनीर उसमें अच्छे से डूब जाए, और आधा चम्मच डालेंगे नमक और इसे 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। तब तक यहाँ मसाला बना लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे लहसुन के पीसेस, 1 बड़े साइज की टमाटर, 10 से 12 काजू और यहाँ पे साथ में थोड़ा सा पनीर के पीसेस भी डालेंगे, जिससे इसमें और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और साथ में 2 टेबलस्पून डालेंगे दही और इसे हम पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है, साथ में थोड़े से फ्रोजन मटर थे जिसे मैं पानी से अच्छे से धो ली हूँ। तो यहाँ पनीर को 5 मिनट हो चुका है, पर यह अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून भर के तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, ये शाही जीरा है, आप चाहे तो नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। साथ में 2 बे लीफ और 1 प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को अब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ प्याज का देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो इसी पे हम अब मटर को डाल देंगे और मटर को भी थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में ही भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ में भूनेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है मटर का वो सूख जाए। तो यहाँ पे मटर जो है अच्छे से भून चुका है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम कर देंगे और इसमें मसाले डाल देंगे। तो सेम जार में थोड़ा सा पानी डाल के बाकी सारे मसाले भी इसी में मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मसाले डालेंगे, सूखे मसाले, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, जिससे इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट का फ्लेवर आएगा। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम ढक के अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ली हूँ 1 दूसरा पैन और उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू,
और इसे कुछ सेकंड के लिए ही भुनेंगे। उसके बाद में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश और साथ में एक छोटा कटोरी डाल देंगे भरमीसेली यानी कि सेवइयाँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी कुछ अच्छा खाने को हो और साथ में मीठा ना हो तो वो पूरा कंप्लीट नहीं लगता। तो ये जो है सबसे जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे सेवई जो है अच्छे से भून गई है। तो दूध को मैं पहले से ही गर्म करके रखी थी, तो यहाँ पर मैं टोटल हाफ के जी ही दूध ली हूँ। तो अब इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। गैस की फ्लेम को लो करके इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी और 1/4 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे हमारा सेवई जो है समय बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेम पैन में ही मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। पनीर का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकाल लेंगे और इसे भी इसी में डाल देंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, जिससे पनीर में जो है बहुत अच्छा कलर आएगा। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यू हम भुनेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पनीर का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे कड़क नहीं भुनना है, देख सकते इतना ही भुनना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पनीर भुनते भुनते ही हमारा जो सेवइयाँ है वो बन के भी तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना रहता है। जब ये ठंडी होगी तो अपने आप गाढ़ी सी होने लगती है, तो इसे हम उतार देते हैं और ठंडा होने देते हैं। यहाँ मटर के साथ में मसाले अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे उबला हुआ पानी। ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो सब्ज़ी का कलर और टेस्ट जो है अच्छा नहीं आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद में पनीर को डाल देंगे। सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आपके पास में अगर क्रीम हो, फ्रेश क्रीम, तो उसका भी आप यहाँ पे 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। तो अब इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर का सब्जी भी जो है बन के तैयार हो चुका है और ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है। और डो भी हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है। और थोड़ा सा लेंगे आटा और साथ में ही लेंगे नान में लगाने के लिए बटर। इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लेंगे और इसके जो है नॉर्मल जो चपाती होती है उससे थोड़े से बड़े बड़े डो बनाएंगे, या फिर आप अपने तवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डो बना सकते हैं। जैसे कि मेरा तवा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही बड़ा बड़ा यहाँ पर इसके साइज को रख रही हूँ। तो इस तरह छोटे छोटे थोड़े से साइज के मैं बना ले रही। तो इसी तरह पहले सबको बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद में सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। इसमें जैसे कि हमने आटा और मैदा दोनों मिक्स किया हुआ है, इसके कारण ये बहुत आराम से बेलने में हो जाता है। अक्सर हम जब मैदा का सिर्फ बनाते हैं तो उसे हम जितना बेलते जाते हैं वापस से सिकुड़ते जाता है। इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट के लुक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रही, और इसके ऊपर में फिर से हम बेलन चला देंगे जिससे ये आटे में अच्छे से चिपक जाए। अब इसके पीछे साइड में हम अच्छे से पानी लगाएंगे। अगर आप जो है पानी इसमें अगर नहीं लगाते हैं और जब हम इस तवे को पलट के सेकेंगे तो वापस से वो गैस के ऊपर में ही हमारा नान जो है गिर जाता है, इसीलिए सब तरफ में अच्छे से पानी लगाना है। और उसके बाद में इस तरह उठा के तवे पर डायरेक्ट डाल देना है। तवा जो हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हाई रहनी चाहिए। कुछ ही सेकंड इसे हम पकने देंगे। उसके बाद में यहाँ तब तक मैं थोड़ा दूसरा नान जो है बेल लेती हूँ। उसके बाद में इस तरह गैस की फ्लेम को हाई करते हुए इसे सब तरफ से अच्छे से
सेक लेंगे। ऊपर का हमें बहुत ज़्यादा पहले ही नहीं सीखना है, पहले थोड़ा सा जब बबल आने लगे तो तवे को पलट के इस तरह सेक लेना है। उसके बाद में गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके ऊपर में अच्छे से बटर अप्लाई करके इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमारा नान जो है बन के तैयार हुआ है। तो इसे मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ कि नीचे से भी बिल्कुल ये कच्चा नहीं है, अच्छे से पक गया हुआ है और ना ही जला है। तो इसे निकाल लेते हैं, उसी तरह बाकी नान को भी सेक के हम तैयार करेंगे। एक बार इस तरह घर में नान ज़रूर बना के ट्राई करें। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह मटर पनीर की सब्ज़ी जो हमारी घर में ही बहुत कम सामान में और घर के ही सामान में बन के तैयार हो जाती है, और साथ में ही नान भी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही घर में हम बिल्कुल इजी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी जो है कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नान भी जो है अच्छे से सीख चुका है। तो अब हम इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट में जिस तरह नान को दो या तीन टुकड़ों में कट करके दिया जाता है, हम भी बिल्कुल उसी तरह इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप इस नान को कब तैयार कर रहे हैं, घर में रे बना रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी नान जो है कैसी बनी वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो अब हम इसके प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्ज़ी जो हल्का सा ठंडा हो चुका है, और ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा भी हो गया है, और साथ में हमारा सेवई जो है वो भी ठंडी हो गई और ये भी गाढ़ी सी हो गई है। तो यहाँ पर हमारा संडे स्पेशल थाली बन के तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।